हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन जियोग्राफी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? तो भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? वह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। देखिए, भारत ने अपना पहला चंद्रमा को जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया और 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया था। और 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान एक जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया, वह अभी भी कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? वह केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीरी केसर की मुख्य किस्में लच्छा, मुंगरा और जर्दा है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान से लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। देखिए, भारत की 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत के असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है, इसको भी याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है? तो यह आम की प्रजाति है। देखिए, आम की यह प्रजाति गुजरात के गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मुख्य रूप से उगाई जाती है। आम की यह प्रजाति 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वनथाली में पहली बार उगाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल व जेट इंजन के लिए भारत पर निर्भर है? तो वह है मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशस की अधिकतर आबादी भारतीय मूल की है। ठीक है, अगला प्रश्न, जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो जोवाई नामक प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है वह कौन से राज्य में है? वह है मेघालय राज्य में है। देखिए, जोवाई हिल स्टेशन मेघालय में पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जोवाई जो हिल स्टेशन है वह। अगला प्रश्न, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। देखिए, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को की गई थी। यहाँ समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक, अगला प्रश्न है, बेत व बांस तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह गुवाहाटी में स्थित है। देखिए, बेत व बांस तकनीकी केंद्र असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में बेत और बांस के क्षेत्र में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 4096.7 किलोमीटर है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। देखिए, भारत की कुल थल सीमा 15106.7 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले व 17 राज्य शामिल है। भारत की सबसे ज़्यादा थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, इसको याद रखना, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा थल सीमा लगती है। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक है? तो वह है झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत में कोयला खनन की शुरुआत कब हुई थी? 1774 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। कोयला उत्पादन के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, इसको याद रखना, विश्व में चौथे स्थान पर है भारत कोयले उत्पादन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। देखिए, यह जल विद्युत परियोजना असम में कोपिली नदी पर स्थित है।
और इसकी उत्पादन क्षमता 275 मेगावाट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो कितने राज्य आते हैं? 17 राज्य आते हैं, वर्तमान में 17 राज्य। ठीक है, बॉर्डर विकास प्रोग्राम में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिसकी सीमा बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में कौन सी जनजाति की संख्या अधिक है? तो वह है गोंड। गोंड जनजाति की संख्या अधिक है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माही बजाज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। देखिए, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बनाया गया है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन 140 मेगावाट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देश के बीच है? तो 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच है। देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। इस क्षेत्र के स्थानांतरण को लेकर 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता भी हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? तो भारत का पावर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत को भारत का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में 8 राज्य आते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसी वजह से उत्तर पूर्वी भारत को भारत का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, कनिकर व यूरवा जनजातियाँ भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? तो किस हिस्से में पाई जाती है? दक्षिण भारत में। कनिकर जनजाति मुख्य रूप से केरल में निवास करती है, जबकि यूरवा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। ठीक, इसको याद रखना, कनिकर जो जनजाति है वह केरल में निवास करती है और यूरवा जनजाति जो होती है वो तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का। गारो व खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थानों पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न, जावर खदाने किस राज्य में स्थित है? जावर खदाने किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। जावर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। जावर खदान विश्व की सबसे पुरानी जस्ता खदानों में से एक है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह सिपकिला, सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। देखिए, सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है। भारत में यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो यह त्रिपुरा व मिजोरम राज्य से गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा इन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है और भारतीय राज्य कितना है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न, तालचर तापी या ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए, तालचर तापी ऊर्जा प्लांट उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 460 मेगावाट है। ठीक है, अगला प्रश्न, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? तो मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1972 में आया था। देखिए, 1972 तक मेघालय असम का भाग था और 21 जनवरी 1972 को खासी हिल, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलकर मेघालय का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न, शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। देखिए, शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है और भारत का प्रसिद्ध जोग व गोरसोप्पा जल प्रपात यही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो दीफू दर्रा को कहा जाता है। देखिए, दीफू दर्रा 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा है। अक्टूबर 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो वह है नामचा बरवा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2005 में की गई थी। धन्यवाद।